Hi guys, wish you a very very good morning. This is Mayesh Joshi and you are watching me on the channel of OTYS. So here it is 20th of October 2020 and we are going to take today's Hindu news analysis. We are going to cover every individual news which will be important for your exams, prelims as well as mains. Okay, so let's take it. The first news is based on very important. It is based on Durga Puja Pandals. Basically, Calcutta High Court ne recently issue किया है रेस्ट्रिक्शन ऑन द दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन. यू नो वेरी वेल दैट वेस्ट बंगाल अपने आप में एक हब है दुर्गा पूजा का, और उसी के चलते क्योंकि दुर्गा पूजा पे काफ़ी मात्रा में जो है भीड़ एकत्रित होती है वेस्ट बंगाल में, उन सभी पांडाल्स में जो कि दुर्गा पूजा जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, तो उन सारे टेम्पल्स और पांडाल्स आई कैन से वहाँ पे मंडप जो भी हैं दुर्गा पूजा के, तो वहाँ सभी जगह पे कंटेनमेंट जोन जारी कर दिया गया है और कोई भी दुर्गा पूजा के लिए पूजा मंडप में जाने को अलाउड नहीं है. मंडप्स को कंटेनमेंट जोन के रूप में ट्रीट किया जाएगा, पांडाल्स के अंदर कोई अलाउड नहीं है. दीज एरियाज आर रेस्ट्रिक्टेड एंड दिस रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज बाई द कैलकटा हाई कोर्ट ऑन मंडे बिकॉज ऑफ COVID-19. डिविजन बेंच ऑफ जस्टिस संजीव बैनर्जी एंड जस्टिस अरिजीत बैनर्जी सेड दैट ओनली ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पूजा कमिटीज कैन एंटर द पांडाल्स इन नंबर्स रेंगिंग फ्रॉम 15 to 25. 15 से 25 जनों के बीच में ही लोग अवेलेबल हो सकते हैं पांडाल्स में, और सिर्फ वही लोग जो दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो पूजा या मंडप से रिलेटेड है. आई कैन से कि पंडित्स या जो भी वो लोग होते हैं जो वर्कर्स या क्लीनिंग का काम करते हैं या पूजा के लिए जो अकाउंटेबल होते हैं, बस वही लोग 15 से 25 लोगों के बीच में अलाउड होंगे. अदरवाइज कोई भी पर्सन दुर्गा पूजा के लिए या दुर्गा मंदिर में या पांडाल्स में अलाउड नहीं होगा. ओके, नो एंट्री नोटिस इशू कर दिए जाएंगे सभी पांडाल्स के बाहर, एंड अवेयरनेस के लिए इन सारी चीज़ों जो हम कह सकते हैं जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पे जो है एक ड्राइव ले ली जाएगी जिससे कि सभी को इन्फॉर्म किया जा सके. और उसके अलावा जितने भी हम कह सकते हैं पेटिशंस आई हैं उन्हें भी खारिज कर दिया गया है इसके अगेंस्ट. The distance will have to be measured from the place where the boundary of Pandals end. जहाँ पांडाल की boundary end होती है वहाँ से distance जो है उसे measure किया जाएगा. Small Pandals जो है वो 5 meter और large Pandals जो है वो 10 meter तक no entry zone के अंदर आएंगे. विकेश रंजन भट्टाचार्य जी ने जो कि एडवोकेट है उन्होंने अपीयरिंग फॉर द पटिशनर सेड, उन्होंने पटिशनर के तौर पे अपीयर करते हुए ये चीज़ें बताई हैं. द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द नेम्स ऑफ द पूजा ऑर्गेनाइजर्स ऑल्सो अलाउड इनसाइड द पांडाल बी डिस्प्लेड आउटसाइड द पांडाल. जो लोग अंदर जो हम कह सकते हैं पांडाल के अंदर वर्क कर रहे हैं पूजा ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उन सभी के नाम डिस्प्ले होंगे पांडाल के बाहर की तरफ, है ना. एंड दिस कैन नॉट बी चेंज विद एवरी डे, हर दिन ये ऑर्गेनाइजर्स भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है. तो वही रहेंगे ऑर्गेनाइजर्स भी, वही लोग रहेंगे जो जो कंटिन्यू जो है पूरे टाइम के लिए वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए अकाउंटेबल होंगे पर्टिकुलर पांडाल के लिए. उन सभी के नाम पांडाल के बाहर शो होंगे, स्टिक होंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों को ये पता चल सके कि डे बाय डे पब्लिक चेंज नहीं हो रही है, अंदर के ऑर्गेनाइजर्स चेंज नहीं हो रहे हैं और वहाँ पर किसी तरीके का कोई रश या हम कह सकते हैं घाबड़ घोटाला नहीं हो रहा है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट चाइनीज सोल्जर. चाइनीज सोल्जर है जो कि LAC के अंदर घुसपैठ के तौर पे पाया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. ही विल बी रिटर्न्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़. फॉर्मेलिटीज़ के बाद में उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, ऐसा आर्मी का कहना है. एक चाइनीज सोल्जर जिसे दबोचा गया है, गिरफ्तार किया गया है डेमचौक सेक्टर के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, आफ्टर ही स्ट्रेड अक्रॉस दी LAC क्रॉस कर लेने के बाद में. एंड दी आर्मी सेड ऑन मंडे, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दी आर्मी, द पीपल्स लिब्रेशन आर्मी दैट इज़ PLA. सोल्जर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज कॉर्पोरल वांग या लॉन्ग के तौर पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है. द PLA सोल्जर हैज़ बीन प्रोवाइडेड मेडिकल असिस्टेंस
इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, फूड एंड वार्म क्लोथ्स. ये इस मेडिकल असिस्टेंस के साथ ही ये सारी चीज़ें, आई मीन खाना पानी और कपड़ा प्रोवाइड करवाया गया है उसे, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द वेगरीज ऑफ एक्सट्रीम एल्टीट्यूड एंड हार्श क्लाइमेट कंडीशन. जिस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन चल रही है, जिस तरीके की ठंड का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर सोल्जर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना कंपल्सरी था. एंड अ रिक्वेस्ट हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड फ्रॉम द PLA से एक रिक्वेस्ट भी आई है अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ द मिसिंग सोल्जर. इट्स स्टेटेड जहाँ पर भी जो मिसिंग सोल्जर है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए, तो उसको भी कंसिडर किया जा रहा है. एज पर द एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स ही विल बी रिटर्नड टू द चाइनीज ऑफिशियल्स एट द चुशुल मॉल्डो मीटिंग पॉइंट जो है, वहाँ से उन्हें उस सोल्जर को लौटाया जाएगा. एंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट होने के बाद में उसे पुनः लौटाया जाएगा. An official source said that as per the procedure, there would be interrogation on the circumstances of the crossing, and also a medical examination will be there. Both countries have deployed thousands of troops and equipments along the LAC since the beginning of the standoff in May, after PLA troops made ingress in or at several locations in eastern Ladakh. Okay, so keep off India's affair, Reddy tells China and Pakistan. Reddy ne jo ki Union Minister of State and for the Home hai, Mr. G.K. Reddy, unka ye kehna hai China aur Pakistan dono se ki wo Bharat ke अफेयर्स या भारत के मामलों से दूर रहे, भारत के इंटरनल मामलों में किसी तरीके का कोई इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें. नो फॉरेन कंट्री हैज़ एनी लोकस स्टैंडी टू इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया. किसी भी कंट्री का कोई, हम कह सकते हैं, कोई अधिकार नहीं है या उनका कोई कंसर्न नहीं है कि वो भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करे. एंड वी विल नॉट अलाउ एनी कंट्री टू इंटरफेयर इन इंडियाज एनी इंडिविजुअल मैटर. ओके, सो इट इज़ सेट बाय दिस. एंड एज यू ऑल नो दैट 370 आर्टिकल को लेकर भी काफ़ी हमें पता है कि काफ़ी इशूज़ या काफ़ी इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान और चाइना का देखा गया है, बेसिकली पाकिस्तान के कंसर्न को देखते हुए, है ना. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूज़. हाई कोर्ट आस्क जी न्यूज़ टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ रिपोर्ट ऑन डेली राइट्स. डेली राइट्स के बेसिस पर डेली हाई कोर्ट ने जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जिन्होंने न्यूज़ पब्लिश की थी, उन्हें कहा है कि वो एक एफिडेविट पेश करने को कहा है जिसके अंदर वो ये डिस्क्लोज करे कि उन्हें डेली राइट्स से रिलेटेड जो भी मुद्दा है, उन सारे दंगे से रिलेटेड, उन दंगों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या जो सोर्स है उनकी रिपोर्टिंग का, वो कहाँ से मिला है. ओके, एन एलेक्ड डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ अ जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा, हु वॉज अरेस्टेड इन अ केस रिलेटेड टू द फेब्रुवरी रायट्स. फेब्रुवरी में जो रायट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उस केस के जो है रिलेटेड आसिफ इकबाल तनहा जो कि अरेस्ट हुए थे, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली जी न्यूज़ को, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हाई कोर्ट ने जी न्यूज़ से मांगी है, जी मीडिया कॉरपोरेशन से. जस्टिस विभू बकरू क्वेश्चन्ड हाउ जी न्यूज़ गॉट द डॉक्यूमेंट्स, कैसे जी न्यूज़ को डॉक्यूमेंट्स मिले, विच इवन द अक्यूज डिड नॉट हैव, जो कि इवन अक्यूज के पास भी नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जी न्यूज़ के पास कहाँ से आए. यू, इट मीन्स जी न्यूज़ टेक आउट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनीबडी. आपने कहीं से भी अगर ये डॉक्यूमेंट्स जहाँ से भी लिए हैं, उन्हें रीड आउट किया और सेंसेशनलाइज करते हुए उन्हें इशू कर दिया, इज़ नॉट समथिंग दैट द कोर्ट विल काउंटेनेंस. इट मीन्स ये चीज़ें जो है, ये सारी जो सेंसेशन मोड पर जो चीज़ें चल रही थी, उन्हें इस तरीके से डिस्क्लोज करना, उन्हें फिगर आउट करना कहीं ना कहीं गलत है कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड दिस इज़ नॉट बी अ गुड मैनर, और इट विल बी डेफिनेटली बी दी पार्ट ऑफ एनी एक्शन. दीज आर डॉक्यूमेंट्स विच शुड नॉट हैव बीन टेकन आउट एंड पब्लिश्ड. ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ना तो बाहर आए जा सकते हैं और ना ही उन्हें पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन जी न्यूज़ ने ऐसा किया
उसको उससे रिलेटेड या उसको देखते हुए हम इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये सोर्सेज कहाँ से मिले। इट इज़ ऑल अबाउट जी न्यूज़ एंड जी न्यूज़ कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड टू डेली राइट्स। ओके, द नेक्स्ट इज द नीट चैलेंज। एज नीट प्रोग्रेसेस स्टेट्स मस्ट टेक एफर्मेटिव एक्शन टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन। जैसा कि नीट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, अब स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो ऐसे एक्शंस जनरेट करे, ऐसे एक्शंस ले जो उन्हें उनके वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकें। एक साल के अंदर जहाँ पे एग्जीक्यूटिंग द नॉर्म्स बिकम्स एन अचीवमेंट, द कंडक्ट ऑफ टू राउंड्स ऑफ नीट अटेंडेंस एट दिस टेस्ट एंड द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑल इन द फेज ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्टेन स्टेट्स। कुछ स्टेट्स से रेजिस्ट करते हुए ये सारी चीज़ें हुई। नीट के दो राउंड के अंदर एग्ज़ाम भी हुए, फिर उनका रिजल्ट भी पब्लिश हुआ और ये सारी चीज़ें हुई जो अपने आप में प्रीज्यूमेबल अकाउंट एज अचीवमेंट्स भी हैं। द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड बाय द लास्ट वीक रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। टॉप स्कोर्स जो रहे हैं वो परफेक्ट 720 रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 एंड स्कोर नॉट बाय वन टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए हैं। हु विल हैव देयर चॉइस ऑफ कॉलेज इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम एंड दे विल हैव देयर ओन चॉइस। उनके खुद के पास में उनकी चॉइस होगी कि वो अपने एग्जाम्स के लिए खुद आगे के मेडिकल प्रोग्राम के लिए खुद अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को के तहत कॉलेज को सेलेक्ट करें। एंड द डिसीजन टू कंडक्ट द एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो डिसीज़न है ये व्हेन देयर वाज अनसर्टेनिटी अबाउट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू रीच द सेंटर। अब स्टूडेंट्स एबल है या नहीं एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, उसको देखते हुए ये काफ़ी प्रोबेबली इट वाज अ बोल्ड एक्शन, दो इट हैड नॉट फैक्टर्ड इन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। बट दैन द नीट इज़ नॉट अबाउट केटरिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, इट इज़ अवॉइडली अबाउट स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल एजुकेशन, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स हु विल होपफुली गो ऑन टू सर्व सोसाइटी। दे आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी। जो लोग मेडिकल एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, नीट इज समवेयर रिलेटेड टू द मेडिकल सर्विसेज एंड वेयर द मेडिकल सर्विसेज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव द चांस टू गो थ्रू द सोसाइटी, वी हैव टू सर्व द नेशन, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी। सो अल्टीमेटली वी नीड टू सेलेक्ट द persons or we need to select the individual according to their ability to serve the society. Even as score show an overall improvement over the years, states must not rest in their endeavor to ease the access to and enhance students' ability to clear the test successfully. काफ़ी सारे students हैं जो successfully इस test को pass out कर गए, लेकिन काफ़ी ऐसे students हैं जो अपने level पर pass out नहीं कर पाए। तो अब ये कहना है डिपार्टमेंट का कि नीट अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है उन लोगों के लिए, उस वीकर सेक्शन के लिए जो वीक है अकॉर्डिंग टू प्रिपेयरिंग द नीट, एंड नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं सेक्शन वीक पड़ जाते हैं और उन वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए का जिम्मा जो है वो स्टेट्स का बनता है। अपने स्टेट्स के अंदर किस तरीके से नीट से रिलेटेड मेडिकल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने देखा COVID-19 के चलते, पैंडेमिक के चलते, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो थी या सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया। तो अल्टीमेटली इट इज़ सेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दैट द नीट इज़ समवेयर अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज स्टेट्स। हाउ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट आर कंडक्टिंग द नीट एग्जामिनेशंस, हाउ दे आर creating the neat aspirants and how they are going to go through a procedure of making the new medical officers. Okay, so it is all about it. The next is about a tool for thought. Pandemic forecast must be used to induce changes and avoid worst case scenarios. Committee of experts, well regarded mathematicians and infectious disease expert और मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं या मैथमेटिशियंस हम जिसे कह सकते हैं, और कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स एज वेल एज अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे लोग जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से अपॉइंटेड हैं टू यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड फॉरकास्ट द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक के कोर्स को फॉरकास्ट करने, गुड टाइडिंग के लिए और
मैथमेटिकल मॉडल को पेश करने के लिए सभी लोग अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड बाय देयर एस्टिमेट इंडिया पास्ड इट्स COVID-19 पीक इन सेप्टेम्बर. उन सभी का ये कहना है, ये जितना भी डिपार्टमेंट है जो सुपीरियर एक्सपर्ट्स से रिलेटेड है, उन सभी का एजुकेशन या इन सभी का एक्सपीरियंस ये कहता है, उन सभी का जो स्टडी है COVID-19 से रिलेटेड, वो ये कहती है कि इंडिया अपने COVID-19 पीक को क्रॉस आउट कर चुका है सेप्टेम्बर में. एंड द डिक्लाइन इन द ओवरऑल केस लोड बींग ऑब्जर्व्ड फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए जो है ओवरऑल केस लोड जो नज़र आ रहा है वो डिक्लाइन होता नज़र आ रहा है एंड कम होता नज़र आ रहा है. एक्टिव केसेस जो है वो करीब 7.5 लाख है एज ऑफ नाउ एंड आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय 50,000 एंड दिसंबर तक जाते जाते ये जो 7.5 लाख तक केसेस बढ़ चुके हैं आज की डेट में, जो 7.5 लाख केसेस हैं वो अल्टीमेटली दिसंबर तक जाते जाते 5 लाख हो जाएंगे, ऐसी संभावना बन रही है. और फरवरी तक जाते जाते पूरी तरीके से जो है वी कांट से नॉट ज़ीरो एट ऑल बट मिनिमल इन्फेक्शन केसेस नज़र आएंगे हमें. While it is reasonable to assume that the 7-member committee has been scrupulous, the caveat is that this is still a forecast based on mathematical modeling. अब ये कहना है डिपार्टमेंट का या जिन कमिटी 7-member कमिटी ने ये सारा डेटा इशू किया है कि दिसंबर तक जो है 50,000 हो जाएंगे एंड देन आगे जाते जाते फैब तक जाते जाते जो है ये पूरी तरीके से केसेस बहुत लेवल पे कम हो जाएंगे, एकदम मिनिमम केसेस बचेंगे. उस सिचुएशन के अंदर हम खुद को रख सकते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी. लेकिन उस सिचुएशन में उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है जो कहीं ना कहीं ओकेजनली स्पाइक अप करने की बात जहाँ पे आती है. मतलब हमें पता है कि आगे दीपावली है या और भी ओकेजन्स जितने भी हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई अगर स्पाइकअप होता है तो उसे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया गया. अगर उससे रिलेटेड कुछ डेटा कंडक्ट हो जाता है तो वो एक अलग मैटर है. अदरवाइज एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो पैंडेमिक का जो सिनारियो है ये बहुत जल्द मिनिमल होते होते फैब तक जाते जाते कंप्लीट होने वाला है. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट. एंड ये जो पूरा डेटा है मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है, सो वी कांट से दैट इट इज़ द एक्चुअल डेटा. इट इज़ जस्ट प्री अज्यूम्ड और स्ट्रॉन्ग अजम्पशन एट ऑल. ओके, द डिक्लाइन विल कंटिन्यू ओनली इफ देयर आर नो मेजर म्यूटेशंस. कोई मेजर म्यूटेशंस नहीं है अगर विंटर को देखते हुए. और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज आर ड्यूरेबल हेयर, सो करंट रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो मेंटेन्ड एंड अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑल डू दिस. Now the significant gains from a strict lockdown beyond the district level पर strict lockdown की अगर ज़रूरत की बात करें हम and current containment measures की बात करें, it would be sufficient. So as well as these expect if there are local outbreaks that threaten to overwhelm healthcare facilities there. Their calculations also showed a peak by July latest, with anybody from 6 to 15 times the existing infection had there been no lockdown or if had been delayed to April. So it is all about it. Pura medical research jo data hai wo publish karta hai aur unke according jo hai ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो है जिस तरीके से केसेस डिक्लाइन होते नज़र आ रहे हैं या जिस तरीके से हमने देखा कि सितंबर में पीक पर थे केसेस, अब कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स जा रहा है डेटा. तो ये जो ग्राफ जो डाउनवर्ड्स जा रहा है वो ये शो करता है कि दिसंबर तक केसेस मिनिमल हो करके एंड फैब तक जाते जाते केसेस बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएंगे, नाम मात्र के हो जाएंगे. So let's see what's going to be the next. उसके according mathematicians का जो ये model है उसके according क्या होने वाला है, क्या situation create होगी और किस तरह की conditions create होगी. Okay, the next is about the sorry plight for the Andhra Pradesh higher judiciary. A letter to the Andhra Pradesh CM cannot be brushed aside as interference with judiciary or judicial independence. इट इज़ ऑल अबाउट दी सॉरी प्लेट फॉर आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के CM से रिलेटेड डेटा है. आपको पता है ये चीज़ कि गवर्नर ने एक लेटर इम्पोज किया था जिसमें CM से रिलेटेड डेटास जो है CM से रिलेटेड लापरवाही को जो है दर्शाया गया है. द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ सीन मैनी अ लीगल जेम एंड इट इज़
unfortunate that today one of the three organs of the state, the executive, appears to have lost faith in the judiciary. Executive appears जो है वो अपने आप में judiciary में faith lost कर चुके हैं and the very same high court who can forget justice Koka Subba Rao who was the first chief justice and later went on to become the ninth chief justice of India in 1966 or that justice O Chinnappa Reddy was the beacon for other high courts so it is all about it and kyunki dekhiye ye article bahut zyada clear nahi hai thoda sa कुछ इशू आ रहा है इसको विजिबिलिटी में सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस आर्टिकल टुडे और आप इसे पढ़िए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये जुडिशरी और उससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव बॉडी या गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में जो डिफरेंस बताया गया है या जो इश्यूज़ बताए गए हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट हम लोग इसे इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे डिफरेंटली और हो सका तो कल के एनालिसिस में ले लेंगे बट समवेयर दिस इज़ नॉट क्लियर टुडे सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट बट हेयर द टू साइड्स एंड वन दैट इज़ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एज वेल एज होल्ड एन इंक्वायरी इज ऑल्सो डिस्कस्ड हेयर वॉट इज़ द सी एम्स कॉल वॉट इज़ द हाई कोर्ट्स कॉल एंड वॉट इज़ द इशू रिलेटेड टू जुडिशियल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज ओके So let's see what is going to be the next article is based in on the love in the time of polarization the withdrawn Tanishq commercial Tanishq ke ad ko lekar kafi issues chal rahe the kafi conflicts dekhne ko mile hain और काफ़ी पोलराइजेशन के तहत प्यार को दर्शाया गया है वॉट इट इज़ द विड्रॉन तनिष्क कॉमर्शियल इज़ अ विक्टिम ऑफ एन अनप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एक्सक्लूसिविज्म दैट फॉस्टर्स ओल्ड सोशल ऑर्थोडॉक्स जो पुराने हमारे ऑर्थोडॉक्स जो विचार हैं उनको बिल्कुल बदलते हुए जो हम कह सकते हैं जो तनिष्क का एड है उसे कमर्शियली अपने आप में विड्रॉन कर दिया गया आपको पता है उस पर बैन लगाया गया है जिसमें एक अभी रिसेंटली एक ऑर्डर निकला था कि मुस्लिम महिला हिंदू महिला यदि मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती है तो उसके उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा मुस्लिम व्यक्ति की संपत्ति जो है हस्बैंड की संपत्ति पर महिला का वाइफ का कोई अधिकार नहीं होगा द रीज़न बिहाइंड दिस ये कोर्ट ने इशू किया है जारी किया है हिंदू यदि हिंदू व्यक्ति से ही शादी करती है तो उसकी जो जिस तरीके से उसकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है डाइवर्स या अदर मामलों के अंदर उसे पूरा अधिकार होता है अपने हस्बैंड की संपत्ति पर वो अधिकार अब एक हिंदू महिला को मुस्लिम हस्बैंड होने पर या मुस्लिम कम्युनिटी में शादी पर नहीं होगा और जिस तरीके से जो है अधिकारों को और प्रेम को दर्शाया गया है इस तनिष्क के ऐड में उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी शो की गई है और उन सब कंट्रोवर्सीज़ को देखते हुए तनिष्क को उस ऐड को बैन करना पड़ा है देखिए कहीं ना कहीं जो प्यार और जो सौहार्द दर्शाया गया है उस ऐड के अंदर दो कम्युनिटीज़ के बीच में कहीं ना कहीं कोर्ट ने खुद से मतलब जुडिशियल सर्विसेज ने खुद से इसको इस हम कह सकते हैं इस प्रेम को या इस हम कह सकते हैं बॉन्डिंग को रिलीजियस बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं जो है अलग किया है और इसका पूरा जिम्मा जो है जुडिशियल सर्विसेज को जाता है कोर्ट को जाता है बिकॉज समवेयर कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं कि किसी तरीके का कोई ऐसा संबंध जो है दो रिलीजन के बीच में नहीं होगा और उसी के बेसिस पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा अपने पति की संपत्ति पर यदि वो किसी मुस्लिम हस्बैंड से या मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती है तो ठीक है सो व्हाट इज़ द मैसेज एंड व्हाट इज़ द अटैक ऑन इट एट सॉरी ऑड्स विद रियलिटी इज़ ऑल्सो शोन इन दिस एड नॉट अ जनरल ट्रेड्स हैज़ बीन डिस्कस्ड हेयर देयर आर टू स्टोरीज इन दिस पर्टिकुलर सेशन सो रिलीजन से रिलेटेड एक स्टोरी है और एक कहीं ना कहीं एक सोशल ऑर्थोडॉक्स जो एक सोशल जो एक क्राइटेरिया चला आ रहा है ऑर्थोडॉक्स चला आ रहा है ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम चला आ रहा है उसको लेकर के यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है कि अब कमर्शियल एड को विड्रॉ करना मतलब इन सर कमर्शियल एड के अंदर जिस तरीके का लव और जिस तरीका का रिलेशन शो किया गया था उस रिलेशनशिप को यहाँ पे पूरी तरीके से नकारते हुए सोशल मीडिया ने उसे बैन करवा दिया अब बैन करवाने का रीज़न क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो ऑर्डर आया है वो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि महिला जो है अपने पति मुस्लिम पति हिंदू महिला अपने मुस्लिम पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखती है
सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड ये आर्टिकल पर ऑलरेडी वी हैव डन अ वीडियो एंड इट विल बी अपलोडेड एज सून एज पॉसिबल दैट ये जो जो चेंज किया गया है जो जिस तरीके का लॉज के अंदर और जिस तरीके का बदलाव किया गया है इस पूरे कानून के तहत ये हम अलग से एक आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. ओके सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. कीप वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप sharing the video as well as liking and subscribing also. So thanks for being with me till the end. Bye bye. Take care. Have a great time.